टिश्यू चैप्टर का कुछ हिस्सा, अभी बहुत सारे हिस्सा बाकी है, तो मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू, क्लास 9th, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द ट्रैकीड ट्रकीयर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन ट्रैकीड पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं ट्रैकीड, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे लिखा जाता है हिंदी में ट्रैकीड, इसे पढ़ते हैं बेजल, इसे क्या पढ़ते हैं वेजल, ठीक है। तो इसे ट्रैकीड पढ़ते हैं, इसे बेजल पढ़ते हैं। तो हम इनमें डिफरेंस जानेंगे, आखिर डिफरेंस क्या होता है बिटवीन द ट्रैकीड एंड द बेजल के बीच में। तो ट्रैकीड सिंगल सेल्ड होता है, ये सिर्फ इसके अंदर एक ही सेल पाई जाती है। वेजल की बात करें तो बाल, द वाल्स ऑफ द बेजल्स आर द लेफ्ट थिक एंड दे हैव वाइडर ल्यूमेन। दो जो आपका मतलब बेजल होता है, उसकी जो बेजल्स होता है वो लेफ्ट थिक, कम मोटा होता है, एंड दे हैव द वाइडर ल्यूमेन, और उनका ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन का मतलब ओपनिंग से होता है, ओपनिंग मतलब छेद, तो उनका ल्यूमेन बहुत चौड़ा होता है, मतलब ओपनिंग बहुत चौड़ी होती है। द एंड वाल रिमेन द इंटैक्ट, एंड वाल जो होती है वो इंटैक्ट रहती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है। इसमें देखा जाए तो एंड वाल गेट द डिसॉल्व्ड, एंड वाल जो होती है बाहर की, मतलब अंतिम सिरे की जो वाल है, जो सिरा होता है ना किसका, वेजल का, उसका जो सिरा होता है उसकी वाल जो घुल जाती है एंड बिकम द परफोरेटेड, और उसमें छेद हो जाते हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रदार हो जाना, ठीक है। द बाल्स ऑफ द ट्रैकीड आर बेरी द थिक विद द नो विद अ नैरो ल्यूमेन। इसकी जो बाल होती है ट्रैकीड की, जो बाल होती है ट्रैकीड्स की, वो बहुत कैसी होती हैं, मोटी होती हैं, और इनके अंदर नैरो ल्यूमेन पाया जाता है, मतलब बहुत ही पतली ओपनिंग पाई जाती है। और इनके अंदर द बाल्स ऑफ द बेजल्स आर द लेफ्ट थिक, कम मोटी होती है, एंड दे हैव द वाइडर ल्यूमेन, और इनके अंदर क्या होता है एक वाइडर ल्यूमेन पाया जाता है, मतलब इनकी जो ओपनिंग होती है वो चौड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने डिफरेंस देखा ट्रैकीड के बारे में है और बेजल के बारे में, और आपको ये समझ में आ गया ल्यूमेन का मतलब होता है ओपनिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद करने हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के व्यू से भी ठीक है और एग्जाम में भी आ सकते हैं, और आपको साथ में ट्रैकीड और बेजल के बारे में जानकारी देते हैं, जो आपके आने वाली क्लासों में और आपके जैसे MBBS वगैरह जैसे एग्जाम होते हैं उनमें काम आएगी, ठीक है। अभी हम और भी एक दो डिफरेंस और पढ़ेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, आखिर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम में पढ़ने से पहले हम यहाँ देखेंगे, इधर हमने लिखा हुआ है जाइलम और इधर क्या लिखा है हमने फ्लोएम लिखा हुआ है। यूज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड द मिनरल, जाइलम का जो यूज होता है, प्रयोग होता है, यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर, जैसे जड़ें होती हैं पानी को सोख लेती हैं, तो उनको कंडक्शन करने के लिए जाइलम का यूज होता है। मिनरल्स, अब पानी के साथ में बहुत सारे मिनरल होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वो भी अवशोषित हो जाते हैं, तो उनका कंडक्शन, पत्तियों तक उन्हें ले जाने का जो काम है, जड़ों से पत्तियों तक ले जाने का काम है, वो जाइलम का होता है। अब फ्लोएम के बारे में बात करें, यूज फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड द सॉल्यूट, अब जो खाना जो बन गया पत्तियों के द्वारा, तो उसका ट्रांसलोकेशन जो होता है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट बॉडी के अंदर, वो फ्लोएम कराता है। दीज कंजिस्ट ऑफ द ट्रैचीड, दीज कंजिस्ट ऑफ द ट्रैकीड एंड द वेजल्स, इनके अंदर ट्रैकीड पाए जाते हैं और बेसिल्स पाए जाते हैं, जाइलम, ऐसा भी हम कह सकते हैं, जाइलम जो होते हैं वो ट्रैकीड और आपका बेसिल से मिलकर के बने होते हैं। फ्लोएम के बारे में बात करें तो दीज कंसिस्ट ऑफ द सीबी ट्यूब, इनके अंदर सीबी ट्यूब पाई जाती है, ठीक है। सीबी ट्यूब्स का मतलब होता है चलनी जैसी छेदों वाली ट्यूब पाई जाती हैं। अब जाइलम के आगे अगला पॉइंट है हमारे पास, कंपेनियन सेल आर द एब्सेंट, इसमें क्या होता है साथ की जो सेल होती है, कंपेनियन सेल्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, मतलब नहीं पाई जाती। कंपेनियन सेल आर प्रेजेंट, इनमें कंपेनियन सेल्स जो होती हैं मौजूद होती हैं। दीज कंटेन द वुड फाइबर, इसके अंदर वुड फाइबर पाया जाता है, लेकिन दीज कंटेन द बास्ट फाइबर, ये बास्ट फाइबर रखते हैं। अब शब्द जो बास्ट है इसका मतलब थोड़ा समझ लो, बास्ट का मतलब क्या होता है, बास्ट का वैसे मतलब होता है स्किन फाइबर से। इट सपोर्ट द कंडक्शन सेल ऑफ द फ्लोएम, जो फ्लोएम की जो कंडक्शन सेल हैं उनको सपोर्ट करने का काम होता है बास्ट फाइबर का। तो इनके अंदर वुड फाइबर पाई जाती हैं, उनके अंदर बास्ट फाइबर पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये थे डिफरेंस टिश्यू चैप्टर में, और भी हम कुछ चीज़ें रह गई, टॉपिक रह गए हैं, उनको अगली आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते जी।